हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th NCERT का चैप्टर 3rd ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन वीडियो आपको बना रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो आप ध्यान दें, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, 12th में भी इसका यूज होता है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो ये हम पहले ट्राइंगल के बेस्ड होता है, जो हम पहले 10th क्लास तक अपने आ चुका है, इसलिए हम नहीं करा रहे हैं। उसके आगे वाला देखिए, कोई भी एंगल होता है तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, मान लीजिए सर्कल है, सर्कल की रेडियस आर है और लेंथ ऑफ आर्क देखिए ए बी है, एल, ए बी की वैल्यू एल है, ये लेंथ ऑफ आर्क है और रेडियस ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू आर यूनिट है। तो एंगल होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। रेडियंस हमेशा ध्यान रखना, जब भी एंगल हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से तो रेडियंस में आएगा, तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, एल इक्वल टू थीटा इंटू आर हो जाएगा, या आर अपॉन एल, आर इक्वल टू एल अपॉन थीटा। अब डिग्री मेजर, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम एंगल बना रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना पूरा राउंड एंगल होता है 360 डिग्री, डिग्री में होता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। देखिए ये है। अब रेडियंस क्या होता है, व्हाट इज रेडियंस? किसी भी 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, अगर 1 यूनिट का रेडियस का सर्कल है और लेंथ ऑफ आर्क भी 1 है, लेंथ ऑफ आर्क भी 1 है, तो जो एंगल आएगा वो 1 रेडियन हो जाएगा। समझ गए? अब रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस, तो 2 पाई रेडियंस को, 2 पाई रेडियंस होता है, ये होता है 360 डिग्री राउंड एंगल, या 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री। पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 22/7। अब यहाँ से देखिए, पाई रेडियन इक्वल टू 180 है, तो 1 रेडियन निकालना है तो पाई डिवाइड में जाएगा और पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू 22/7 रखेंगे तो 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 57 डिग्री एंड 16 मिनट, 57 डिग्री और 16 मिनट, और 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपन 180 रेडियन। तो जब भी हमको रेडियन से डिग्री में बदलना है तो 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिग्री से रेडियन बदलना है तो पाई अपॉन 180, पाई ऊपर रहेगा। तो ये अपनों को दिया हुआ है, ये हमें मालूम था। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए, किसी भी प्लेन को हम अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, टू लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। इससे प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इन पार्ट्स को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो होते हैं या फंक्शन होते हैं, 6 होते हैं टोटल, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और एक है कॉसेक थीटा। 6 नंबर का है कॉसेक थीटा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मेज 0 से 90 होती है, तो इसमें ऑल पॉजिटिव, ये 6 फंक्शंस हैं सब पॉजिटिव होंगे। सेकंड है 90 से 180 के बीच में होता है क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, वहाँ साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट है 180 से 270, 90 प्लस होता जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट प्लस अदर आर नेगेटिव। फोर्थ है 270 से 360, तो इसमें फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। क्यों होते हैं ये भी हम बताएंगे आगे आपको कभी। अब देखिए, इसमें 90 90 के 4 पार्ट्स हैं, क्वाड्रेंट माने 1/4 पार्ट ऑफ एनी थिंग। तो पहला क्वाड्रेंट 0 से 90, 90 से 180, सेकेंड 180 से 270, 270 से 360। अब एंटी क्लॉक बाद चलता है, एंगल होता है प्लस का। देखिए तो यहाँ 90 है, 90 से थोड़ा भी कम होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, सेकंड में 90 प्लस थीटा,
अब 180 में से अगर माइनस का थोड़ा भी कम होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा, थर्ड में 180 प्लस थीटा। अब यहाँ 270 पहुँच गए, अगर कम है तो टू थर्ड में पहुँच जाएंगे, 270 माइनस थीटा, अगर ज़्यादा है तो 270 प्लस थीटा हो जाएगा। राउंड एंगल 360 होता है पूरा, अगर 360 से थोड़ा भी कम होगा माइनस में तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा 360 माइनस थीटा, और फर्स्ट में 360 प्लस थीटा। इसी तरीके से क्लॉकवाइज एंगल होता है प्लस थीटा ऊपर की तरफ जाएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज होता है माइनस थीटा। तो अब हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे सिक्स एंगल्स बन रहे हैं, प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। तो ये सिक्स एंगल्स हैं, ये एक्स एक्सिस के एंगल हैं। देखिए अगर ये एंगल हैं तो अपने पास अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, नो चेंज। तो जो सिक्स के सिक्स है इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ओनली साइन, मतलब साइन माने चिन्ह चेंज, केवल इसका साइन चेंज होगा, वो भी इसको देख के फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट इसको देख के साइन चेंज होगा। अब वाई एक्सिस के एंगल है 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा। इन एंगल्स में फोर एंगल्स में अगर साइन कहीं होगा तो कॉस में बदल जाएगा, और कॉस होगा तो साइन में, टेन होगा तो कॉट में, कॉट होगा तो टेन में, सेक होगा तो कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉसेक होगा तो सेक में। कॉसेक होगा तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। सेक है तो कॉसेक में, कॉसेक है तो सेक में, और उसके साइन भी चेंज होगा, एस आई जी एस साइन ऑल्सो चेंज। तो ये बेसिक है को थोड़ा सा, अब इनका यूज करके इसके फॉर्मूले वगैरह हैं वो भी हम डाल देंगे। ये बेसिक है, अभी फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकेंड में यही स्टार्ट अपन को यूज होने वाले हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा डाला है, आप ध्यान दें। हर चीज़ प्रॉपर तरीके से होगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, आप इसको देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब।